गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 14th ऑफ मार्च के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद सेकेंड पे हम रिविजन में चलेंगे जिसमें हम जनवरी मंथ को रिवाइज कर रहे हैं, और आज पार्ट 6 रहने वाला है आउट ऑफ 16 सेशंस। ठीक है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक। उसके बाद हम कैटेगरी वाइज रिवीजन की तरफ चलेंगे जिसमें आज का टॉपिक क्या रहेगा, रैंक्स एंड इंडिसेस का। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और लास्ट में हमारा क्विज का सेशन रहेगा। तो चलिए बिना लेट करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया होस्टेड अ कमर्शियल डायलॉग एंड द CEO फोरम विद विच कंट्री। आपको बताना है कि इंडिया ने कमर्शियल डायलॉग और एक CEO फोरम कौन सी कंट्री के साथ मिलकर होस्ट किया है। तो ये है इंडिया US कमर्शियल डायलॉग एंड CEO फोरम, जो कि हाल ही में हुआ है नई दिल्ली में। और इस मीटिंग के दौरान ये एक्नॉलेज किया गया कि जो बाइलेटरल गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में, वो अगर 2014 से कंपेयर करें तो वो डबल हो चुका है ट्रेड। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया और US ने एग्री किया है कि वो एक स्ट्रैटेजिक ट्रेड डायलॉग भी लॉन्च करेंगे, जिसको कि लीड करेंगे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा कि कमर्शियल डायलॉग और CEO फोरम में कौन सी दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ये हैं इंडिया और US। ओके, इसके अलावा कल हमने कोलंबिया के बारे में क्या एक स्पेशल न्यूज़ पढ़ी थी। कोलंबिया कंट्री ने पिछले 25 सालों में पहली बार वुमेन को अलाउ किया है अपनी मिलिट्री सर्विस में। ठीक है, तो अब इसमें वुमेन भी रिप्रेजेंट होंगी। इसके अलावा जो चाइना के करंट प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, ये तीसरी बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, फिर कतर के नए प्राइम मिनिस्टर हाल ही में कौन इलेक्ट हुए हैं, ये हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। ठीक है, ये हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं कतर के। ओके, पहले ये कौन थे, ये पहले इस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर थे। फाइन, किसको रिप्लेस किया इन्होंने, इन्होंने रिप्लेस किया है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रामचंद्र पौडेल हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में ये कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, आपको ये बताना है। तो ये नेपाल की जो कांग्रेस है उसके सीनियर लीडर हैं रामचंद्र पौडेल, और हाल ही में ये नेपाल के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। हाल ही में यहाँ पे वोटिंग हुई थी और इनको इलेक्ट किया गया है इस पोस्ट के लिए विथ 33,802 वोट्स। ठीक है, और प्रेसिडेंट को नेपाल में कैसे इलेक्ट करते हैं, तो इनको इलेक्ट किया जाता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, जैसे कि इंडिया में होता है, जिसमें कि मेंबर्स होते हैं फेडरल पार्लियामेंट के, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द नेशनल असेंबली के, साथ ही प्रोविंशियल असेंबली के। फाइन, तो याद रखिएगा अब से नए प्रेसिडेंट नेपाल कंट्री के कौन बन गए हैं, ये हैं रामचंद्र पौडेल। अब कुछ अगर रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात करें, तो हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि जो ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी हैं, हाल ही में ये बन चुकी हैं फर्स्ट वुमेन टू कमांड फ्रंट लाइन इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट। ठीक है, तो पहली वुमेन जो लीड कर रही हैं फ्रंट लाइन IAF कॉम्बैट यूनिट को, उनका नाम क्या है, ये है शालिजा धामी। इसके अलावा मिस्टर अरुण सुब्रमण्यम को हाल ही में पहले इंडियन अमेरिकन जज बन गए हैं, कहाँ पे, एट द न्यूयॉर्क कोर्ट। ठीक है, फिर सेवलॉन इंडिया ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया है एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर। फाइन, इसके अलावा हमारे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं, ये हैं जिष्णु बरुआ, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, फिर पेप्सी ने हाल ही में एक्टर रणवीर सिंह को बना लिया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हाल ही में रणवीर सिंह कौन से इंपॉर्टेंट ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, तो ये ब्रांड है पेप्सी। फिर GC मुर्मू को सेलेक्ट किया गया है एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लाई करता है, ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इतनी अपॉइंटमेंट आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट। जो खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट है, इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी है, आपको ये बताना है। तो हमारे यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने इनॉग्रेट किया खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट को, कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है,
और लगभग 15,000 वुमेन एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और जो कि पूरे इंडिया से डिफरेंट 50 सिटीज से आई होंगे. फाइन, इसमें टोटल 10 स्पोर्ट्स को फीचर किया गया है. ऑब्जेक्टिव क्या है इस टूर्नामेंट का? वुमेन एथलीट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जो अब तक किसी न किसी वजह से किसी भी नेशनल या स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई हैं उनको. ठीक है, तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट कहाँ पे होगा? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली. नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स इन 2023? कौन सी सिटी होस्ट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 के लिए? तो ये सिटी है दुबई, और ये हो चुका है ऑलरेडी. इसमें इंपॉर्टेंट बात एक क्या हुई है, हमारे यहाँ से एकता भ्यान ने क्वालिफाई कर लिया है अब वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के लिए आफ्टर क्लेमिंग द ब्रोंज इन द डिस्कस थ्रो इन दिस दुबई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स. ठीक है, इंडियन टीम को कितने मेडल मिले हैं इस इवेंट में? 7 मेडल टोटल, और इसमें डिफरेंट यंगस्टर्स मौजूद थे. जो इंडिया का कंटिंजेंट यहाँ से गया था, 7 मेडल में 4 जो है सिल्वर थे और 3 ब्रोंज मेडल थे. ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स के लिए कौन सी सिटी होस्ट है? ये सिटी है दुबई. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट और कॉन्फ्रेंसेज एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि जो 5वां एशियन इंडिया बिजनेस समिट है, कहाँ पे हुआ? ये हाल ही में हुआ है क्वाला लुमपुर में. ठीक है, इसमें हमने एशियन के साथ अपने 30 साल के लॉन्ग रिलेशनशिप को सेलिब्रेट किया. फाइन, फिर इसके बाद 7th इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होस्ट हुआ था? ये हुआ है भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में. ठीक है, फिर इसके अलावा जो पहला B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस और एक्सपो है ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अंडर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको कौन होस्ट कर रहा है? इसको होस्ट किया असम गवर्नमेंट ने. ठीक है, और इसके थ्रू जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनको प्रमोट किया जाएगा ग्लोबल लेवल पे. तो ये जो इवेंट है ये कहाँ पे होगा? गुवाहाटी शहर में, असम के. फाइन, इसके अलावा हम जानते हैं कि इंडिया को हाल ही में मिला है GSMA का गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 के लिए एट द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? ये हुआ था स्पेन कंट्री में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौसा चिनेंसिस विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच पर्टिकुलर स्पेशीज? तो ये इंडो पैसिफिक हम्प बैक डॉल्फिन होती हैं, और ये एक स्पेशीज है हम्प बैक डॉल्फिन की, जो कि कहाँ पे रहती हैं? ये रहती हैं इन द कोस्टल वाटर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन. ठीक है, इनको हम चाइनीज वाइट डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं कुछ रीजन्स में, और हाल ही में अ ग्रुप ऑफ इंडो पैसिफिक हम बैक डॉल्फिन्स को स्पॉट किया गया है. कहाँ पे? ऑफ द कोस्ट ऑफ इंजमबक्कम. ठीक है, और लगभग 30 से 40 डॉल्फिन्स पाई गई कोस्ट से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे, और सभी डॉल्फिन बहुत यूनिक कलरेशन के साथ मौजूद थी. इनकी कलर्स थे पिंक और ग्रे. ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ये जो नाम है ये किस पर्टिकुलर स्पेशीज को रिप्रेजेंट करता है. ये है डॉल्फिन, ये डॉल्फिन की एक पर्टिकुलर स्पेशीज है. ठीक है, नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशंस वुमेन लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड फिन एम्पावर? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर चुकी है जिसका नाम है फिन एम्पावर? ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यूनाइटेड नेशंस वुमेन इंडिया के साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है फिन एम्पावर, और ये एक साल का ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है बिटवीन BSE एंड यूनाइटेड नेशंस वुमेन, ताकि वुमेन को हम एम्पावर कर सकें टुवर्ड्स द फिनेंशियल सिक्योरिटी. ठीक है, तो याद रखिएगा फिन एम्पावर को किसने लॉन्च किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ मिलकर. फाइन, सबको कमेंट्स में बताना है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं और 2023 के लिए थीम क्या थी. सब लोग लिखेंगे आंसर. नेक्स्ट है, निसार मिशन इज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी? आपको बताना है कि निसार मिशन इसरो और किस स्पेस एजेंसी के बीच का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है. तो सबसे पहले निसार का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार. ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, और ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है बिटवीन नासा एंड इसरो. ठीक है, इसका एम क्या है? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बिल्ड और लॉन्च करना जो कि इक्विप्ड होगा विथ अ ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार,
और इस सैटेलाइट को यूज़ किया जाएगा ताकि हम नेचुरल फेनोमेना को पहले से हम सेंस कर सकें यूजिंग द रिमोट्स जो कि अर्थ पे होते हैं लाइक अंटार्कटिक क्रायोस्फीयर। ठीक है, और किस वजह से आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि यूएस की एयरफोर्स ने हाल ही में निसार सैटेलाइट को हैंडओवर कर दिया है इसरो ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो याद रखिएगा निसार मिशन कौन से दो स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट है, नासा और इसरो, कौन सी दो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो गई, इंडिया और यूएस। नेक्स्ट है, एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी higher educational institutes to obtain the highest level of NAAC accreditation within how many years? तो National Education Policy 2020 के मुताबिक जो भी higher educational institutes हैं उनको कितने सालों के अंदर अंदर NAAC accreditation का highest level अचीव करना होगा। ये क्या है, National Assessment and Accreditation Council, इसको सेटअप किया गया था 1994 में और ये responsible होता है for evaluating the quality of हायर एजुकेशन institutions इंडिया के अंदर। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फिलहाल एम क्या है, जितने भी हायर एजुकेशनल institutes हैं उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ accreditation अचीव करना होगा अगले 15 सालों में। ठीक है, और फिलहाल 31 जनवरी 2023 तक की अगर हम बात करें तो सिर्फ थोड़ी ही यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज ऐसे हैं जो अब तक NAAC से accredited हैं, फाइन, बाकी सब नहीं है। तो अगले 15 सालों के अंदर इन्हें हाईएस्ट लेवल ऑफ accreditation अचीव करना होगा, फाइन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। नेक्स्ट है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली प्रपोज्ड द नीड फॉर अ ल्यूनार टाइम जोन, कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने हाल ही में प्रपोज किया है कि हमें एक ल्यूनार बेसिस पे टाइम जोन बनाना चाहिए, ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, इन्होंने हाल ही में ये प्रपोजल रखा है कि हमें अब ल्यूनार टाइम जोन की ज़रूरत है और इन्होंने इसके लिए इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन मांगा है, साथ ही कंसेंसस इसको एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो मून टाइम जोन जो है ये प्रपोजल क्यों रखा गया है, ताकि एक यूनिवर्सल टाइम कीपिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जा सके जिसके थ्रू कम्युनिकेशन सिंप्लीफाई हो सके और कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो सके अमंग डिफरेंट ल्यूनार मिशन, फाइन। तो याद रखिएगा ये प्रपोजल फिलहाल किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और इसको अप्रूवल मिलेगा कि नहीं ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे। कुछ दिनों पहले हमने वेरी लार्ज टेलीस्कोप सर्वे टेलीस्कोप के बारे में सुना था, ये कहाँ पे है, ये परानल ऑब्जर्वेटरी में है इन द अटाकामा डेजर्ट ऑफ नॉर्दर्न चिले, बस ऐसे याद रखिएगा कि चिले कंट्री में। ठीक है, और किस वजह से न्यूज़ में था ये सब, हमने उस टाइम देखा था जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ पे बस सिंपली स्टैटिक जीके की तरह याद रखिए कि ये सर्वे टेलीस्कोप चिले कंट्री में है। इसके अलावा आपने ड्रैको के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, ड्रैको क्या है, ड्रैको का फुल फॉर्म होता है डिमॉन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल सिस ल्यूनार ऑपरेशन, और ये मिशन है डार्पा का। ठीक है, डार्पा यूएस की है और डार्पा एक तरीके आप कह सकते हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट विंग है यूएस मिलिट्री की, जस्ट लाइक डीआरडीओ इंडिया की। ठीक है, और फिलहाल जो डार्पा है ये वर्क कर रही है ऑन न्यूक्लियर फिजन पावर्ड स्पेस क्राफ्ट अलॉन्ग विथ नासा, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये स्पेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि अब तक किसी भी कंट्री ने कोई न्यूक्लियर रॉकेट नहीं लॉन्च किया है। ठीक है, यूएसए 1955 से इस टेक्नोलॉजी को ट्राई कर रहा है लेकिन अभी तक इसको सक्सेस नहीं मिली है। तो अगर ऐसा हो गया कि हम न्यूक्लियर फिजन पावर्ड स्पेस क्राफ्ट लॉन्च कर पाए तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा स्पेस इंडस्ट्री में, फाइन। इसके अलावा आपने टेरान वन के बारे में सुना होगा, टेरान वन क्या है, ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ गुड लक हैव फन मिशन। लास्ट क्वेश्चन है, चबहार पोर्ट इज अ सी पोर्ट लोकेटेड इन विच कंट्री, ये पोर्ट कहाँ पे है आपको ये बताना है। ये एक सी पोर्ट है जो कि लाई करता है इन द साउथ ईस्टर्न ईरान कंट्री ऑन द गल्फ ऑफ ओमान, फाइन, और याद रखिएगा ये इकलौता ओशनिक पोर्ट है ईरान कंट्री का। किस वजह से आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो लगभग 20,000 मेट्रिक टन्स ऑफ वीट डिलीवर करेंगे अफगानिस्तान कंट्री को वाया दिस पोर्ट जो कि ईरान में लाई करता है, और ये शिपमेंट सेंड किया जा रहा है अफगानिस्तान को किसके साथ, पार्टनरशिप करके, इन पार्टनरशिप विथ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, तो इसी वजह से चाबहार पोर्ट न्यूज़ में है, याद रखिएगा ये कौन सी कंट्री में है, ईरान में। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम जनवरी मंथ को रिवाइज कर रहे हैं और आज ये पार्ट 6 रहेगा इस सीरीज में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2022 टू 2023 एज पर द एनएसओ फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट।
तो इनके हिसाब से कितना जीडीपी ग्रोथ इंडिया का एस्टिमेट हुआ है 2022 से 23 के लिए। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने पहला एडवांस एस्टिमेट रिलीज़ किया नेशनल इनकम का, और जो रियल जीडीपी है इस साल में ये एस्टिमेट की गई है एट 157.60 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, इसी के साथ जो रियल जीडीपी में ग्रोथ है वो कितनी एस्टिमेट की गई 7% पे, और अगर पिछले फिस्कल ईयर में देखें 2021 से 22 में तो ये वैल्यू कितनी थी 8.7%। वट इज़ द पर्पज ऑफ द आमंत्रण पोर्टल विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड? तो गवर्नमेंट के ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के अंदर में एक ऑनलाइन इन्विटेशन मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम था आमंत्रण पोर्टल। इसके थ्रू आप ई इन्विटेशन सेंड कर सकते हैं गेस्ट को, और किसी भी रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे इवेंट पे जो ऑनलाइन सेल होती है टिकट्स की जनरल पब्लिक के लिए वो भी इस पे विटनेस किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आमंत्रण पोर्टल का पर्पज़ क्या है, इन्विटेशन मैनेजमेंट। फ्यूचर ऑफ वर्क इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल इज़ वन ऑफ द थीम्स ऑफ विच समिट। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च की थी Y20 के लिए थीम, लोगो और वेबसाइट, और इसमें बहुत सारी थीम थी जिसमें से वन ऑफ द थीम थी फ्यूचर ऑफ वर्क इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल। सेकेंड थीम थी इसमें फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिडक्शन। थर्ड थी मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ वे ऑफ लाइफ। फिर फोर्थ थी पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलेशन एटसेट्रा। तो बहुत सारी थीम थी इस इवेंट के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट थीम थी इसलिए यहाँ पे रखा गया। किस इवेंट के लिए थीम थी? Y20 समिट के लिए। केविन मैकार्दी हैज़ बिन इलेक्टेड एज द हाउस स्पीकर ऑफ विच कंट्री? ये हाल ही में इलेक्ट हुए हैं एज द हाउस स्पीकर ऑफ द कंट्री USA। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को हाल ही में कमेंस किया गया है अहमदाबाद सिटी में जो कि गुजरात में लाइक करता है, और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया बाय गुजरात टूरिज्म ऑन द G20 थीम ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग इन 2023? तो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC को विजिट किया इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा Washington DC। लिकानिमैब विच वॉज ग्रांटेड अप्रूवल बाय द USFDA इज यूज टू ट्रीट विच डिजीज़? तो US की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूवल ग्रांट कर दिया है फॉर दिस अल्जाइमर्स डिजीज ड्रग जिसका नाम है लिकानिमैब। विच स्टेट वन द यूनाइटेड नेशन हैबिटाट्स वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड 2023 फॉर जगह मिशन? जगह मिशन किसका है? ये ओडिशा स्टेट का है, और हाल ही में इसने जीता था UN हैबिटाट का वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड 2023 के लिए। और जगह मिशन एक तरह का दुनिया का बहुत बड़ा स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप स्लम ड्वेलर्स की लाइफ को एम्पावर करते हैं। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज? आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हाल ही में अपना 76th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया था, उसी दौरान इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द फूड प्राइस इंडेक्स? फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज करती है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके थ्रू ये जो डिफरेंट तरह के सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी, मीट ये सब होते हैं उनके प्राइसेस को ट्रैक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सिटी अनाउंस टू लॉन्च अ न्यू मोबिलिटी कार्ड टू पे फेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑन बसेज एंड मेट्रो? कौन सी सिटी है जिसने एक नया मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप बसों और मेट्रो पे जो किराया रहता है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पे कर सकते हैं? ये इनिशिएटिव है नई दिल्ली का, और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इस मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च करेंगे ताकि लोग अपने फेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली दे सकें बस और मेट्रो पे। ठीक है, इसके लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक नोटिस भी जारी करी थी टेंडर को इन्वाइट करने के लिए फॉर दिस प्रोजेक्ट। 197 कम्युनिकेशन इज द पेरेंट एंटिटी ऑफ विच फाइनेंशियल सर्विस कंपनी? ये पेरेंट एंटिटी है पेटीएम की। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स है नोएडा में। किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कुछ दिनों पहले अपॉइंट किया मिस्टर सुरेंद्र चावला को एज इट्स MD एंड CEO RBI के अप्रूवल के बाद। विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस टू इशू सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड? आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बॉन्ड्स को जारी करती है।
Which neighboring country of India is set to dispatch over 159 containers of ammunition to the country Ukraine? Ammunition मतलब defense goods or product. और पाकिस्तान ने प्लान किया था कि वो 159 कंटेनर्स इनके डिस्पैच करेंगे और किस पोर्ट की हेल्प से भेजेंगे, एक पोर्ट है पोलैंड में, उसकी हेल्प से. ठीक है. कांगला नोंग पोक थोंग द ईस्टर्न गेट ऑफ द कांगला फोर्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट. ये हाल ही में इनॉग्रेट हुआ था मणिपुर स्टेट में. यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह. इन्होंने हैंड ओवर किया और इस गेट को डेडिकेट किया है वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए. और ये जो नोंगपोक थोंग है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है थ्रू द इम्फाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड एज द फंडिंग एजेंसी. फाइन, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है, मणिपुर स्टेट में. तो इसी के साथ हमने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस भी देख लिए और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, 91 से लेके 105 तक जाएंगे. और अब चलिए हम अपना कैटेगरी वाइज वाला रिविजन भी कर लेते हैं जिसमें आज का टॉपिक है रैंक्स एंड इंडिसेस. इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स देखेंगे 2022 से जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. फर्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी वॉज रैंक्ड एट द टॉप स्पॉट इन द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स. सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में टॉप मोस्ट स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी कौन सी थी? पुडुचेरी. सेकेंड पे था इसमें लक्षद्वीप और थर्ड पे था गोवा. अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें अगर, तो फर्स्ट पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? ये है शिमला. शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में. सेकेंड पे था इसमें सोलान. सोलान भी है हिमाचल प्रदेश में. और थर्ड पे था इसमें एजॉल. एजॉल कहाँ है? मिजोरम में. ठीक है. What is the rank of India in the Arthon Capital Passport Index 2022? Arthon Capital Passport Index की बात करें तो इंडिया की रैंक थी 87 और इसमें UAE का जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट माना गया. ठीक है. और वीकेस्ट पासपोर्ट कौन सी कंट्रीज के थे? अफगानिस्तान फॉर एग्जाम्पल, सीरिया, इराक और पाकिस्तान. ठीक है. और अगर हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक थी 85. सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट इसके अकॉर्डिंग किसका था? तो ये है कंट्री जापान. सेकेंड पोजीशन पे दो कंट्रीज एक साथ थी, साउथ कोरिया और सिंगापुर. ओके. विच सिटीज़ आर रैंक एट द टॉप ऑफ द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिलीजेस द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022. इसके मुताबिक न्यूयॉर्क और सिंगापुर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटीज़ साबित हुई. विच इंडियन सिटी इज प्लेस्ड एट 22nd रैंक इन द प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 2022. इसमें इंडिया से तीन सिटीज़ फीचर हुई हैं. कौन कौन सी हैं ये? मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली. इसमें से मुंबई की रैंक थी 22. इसके अलावा नई दिल्ली की रैंक थी 36 और बेंगलुरु की रैंक थी 27. विच इज़ द ओनली इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमंग टॉप 50 इन द ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग बाय टाइम्स हायर एजुकेशन. तो जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग जारी करी टाइम्स हायर एजुकेशन ने, इसमें टॉप 50 में इकलौता इंस्टीट्यूट इंडिया से कौन सा था? ये है IIT दिल्ली. ठीक है. सेकंड पोजीशन पे था इसमें IISc बेंगलुरु और इसकी ओवरऑल रैंक थी 58. और थर्ड पे था इसमें IIT बॉम्बे. ठीक है. IIT बॉम्बे की रैंक थी 72. विच इंस्टीट्यूशन इज रैंक एट द टॉप स्पॉट फ्रॉम इंडिया इन द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग. इसमें टॉप स्पॉट पे था IIT बॉम्बे, इनकी रैंक थी 40th. ठीक है. सेकेंड पे था इसमें फिर से IISc बेंगलुरु और इस बार इनकी रैंक थी 52. और थर्ड पे था इसमें IIT मद्रास की रैंक थी 59. विच इज़ द ओनली इंडियन कंपनी इन द टॉप 100 रैंक ऑफ फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022. इकलौती इंडिया की कंपनी जो टॉप 100 में फीचर हुई है इन द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग, वो कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज. वॉट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? इसमें इंडिया की रैंक थी 40th और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी थी? फर्स्ट इसमें स्विट्जरलैंड था, सेकेंड US और थर्ड स्वीडन. और इसका विपो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में. व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 4th और फर्स्ट पोजिशन पे इसमें कौन सी कंट्री है? ये है वियतनाम. मतलब वियतनाम सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट कर रही है. फाइन, तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है और आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये पूछे जा सकते हैं. कल हम कौन सा टॉपिक देखेंगे? कल हम देखेंगे डेज एंड थीम्स को. ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स के बारे में बात करेंगे जो स्पेशल हैं और एग्जाम में डेफिनेटली आ सकती हैं. अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि लेक्चर बहुत फास्ट रहता है. देखिए, टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, टाइम थोड़ा सा कम रहता है, तो अगर फास्ट नहीं पढ़ाएंगे तो फिर ये सब चीज़ें कैसे हो पाएंगी? या तो कहिए तो सिर्फ करंट अफेयर्स करा के और रिविजन सेशन पूरा उड़ा देते हैं,
रिवीजन अगर आपको नहीं करना है तो फिर मैं बहुत स्लो करके आपको पढ़ा सकती हूँ। अदरवाइज मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिन लोगों को फास्ट या स्लो लगता है वो यूट्यूब के फीचर का यूज़ करके वीडियो को स्लो या फिर फास्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप उसको 2x पे चला सकते हैं, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप उसको 0.25 पे चला सकते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है फिर? प्लीज़ अगर आपको कोई जेन्युइन इशू है तो ही आप कमेंट्स में मेंशन किया करिए, अदरवाइज जिनको आप खुद टैकल कर सकते हैं प्लीज़ उनको मत लिखा करिए, फाइन। कोई और अगर प्रॉब्लम है तो आप वो लिख सकते हैं, जैसे आपने पिक्चर्स के लिए लिखा था तो आप जहाँ जहाँ पॉसिबल है मैं पिक्चर्स वहाँ पे लगा रही हूँ। अगर इसी तरह कोई और सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ लिखा करिए कॉमेंट्स में, आपके कॉमेंट्स हमारे लिए हमेशा स्पेशल होते हैं और हम उस पर बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कॉमेंट्स में, साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू हसना साइनिंग ऑफ।